हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक से रिलेटेड अपडेट फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की थी एडिट ब्लेड, जहां पे हम स्पेसिफिक ब्लॉक से रिलेटेड डाटा को प्रिंट कर रहे होंगे ताकि हम उस पर अपडेट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सके। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी रिमेनिंग अपडेट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करता हूं गिट बैश पे और यहां पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को पहले ही एक्सेस किया हुआ है, तो मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं। पीएचपी आर्टिशन सर्फ प्रोजेक्ट रन हो चुका है, मैं यहां पर इसको एक्सेस कर लेता हूं। लेट्स ट्राई टू लॉग इन और यहां पर अपने क्रेडेंशियल्स बता देते हैं। ओके, लॉग इन। नाउ लेट्स मूव टू ब्लॉग्स एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस ब्लेड को कॉन्फिगर किया था। इसके बाद गाइज, अब मैं आपको सबलाइन पे थोड़ा सा रिव्यू देता चलूं, तो लेट्स मूव टू रिसोर्सेस, व्यूज, बैक एंड और यहां पे एडिट ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पे लेट्स से अगर मैं इस अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं तो हम लोग अपने इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं इस यूआरएल पे, ब्लॉक अपडेट, जिसको हम लोग ऑलरेडी कॉन्फिगर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। मैं आपको जस्ट दिखाता चलूं, राइट हियर। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने ब्लॉक कंट्रोलर में अपडेट का फंक्शन भी बनाया हुआ है, वो भी दिखा देता हूं। ब्लॉक कंट्रोलर, राइट हियर। ठीक है, तो यहां पे जस्ट हम लोग डीडी कर रहे हैं रिक्वेस्ट ऑल को। मैं आपको एक दफा फिर से दिखा दूं ताकि हम अपनी बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर को फॉलो कर सके। ओके गाइस, तो यहां पर हमारे पास सारा का सारा डाटा आ रहा है हमारे इस फंक्शन में, अपडेट के फंक्शन में, और यहां से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मुझे यहां से एक चीज और चाहिए जो के है, अगर आप मैं आपको यहां पे दिखाऊं, यहां पे टाइटल है हमारे पास, यूआरएल है, हम चाहें तो इसके थ्रू भी अपना इसी स्पेसिफिक ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। लेकिन जो बेहतर इससे अप्रोच रहेगी वो ये है कि यहां पर हम लोग ब्लॉग आईडी भी पास कर दें, तो मैं वो कर लेता हूं। अगर आप चाहें तो आप टाइटल या यूआरएल के थ्रू भी अपने ब्लॉग को फाइंड कर सकते हैं डेटाबेस में से। ठीक है, जस्ट आप लोगों को बताना चाहता था। ओके, सो यहां पे क्योंकि ये हिडन फील्ड होगी तो इसके लिए मुझे ज्यादा क्लासेस वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक सिंपल इनपुट फील्ड लूंगा, इनपुट फील्ड, और इसकी टाइप होगी हिडन, जो कि यूजर को नजर नहीं आएगी। इसका नेम होगा ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जो हम लोग ब्लॉग गेट कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहां पे टाइटल वगैरह प्रिंट किया हुआ है, सॉरी यहां पे, उसी तरीके से हम लोग ब्लॉग आईडी भी प्रिंट करेंगे, ब्लॉग आईडी। ठीक है, और लेट्स से इन केस नहीं है तो एम्प्टी। ओके गाइस, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और मैं देख रहा हूं यहां पे मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। यस, देयर इज अ मिस्टेक। ओके गाइस, सो यहां पे मैं जस्ट अपनी बेसिकली हम प्रिंट नहीं कर रहे थे। ठीक है गाइस, सो अब अगर मैं यहां पे फॉर्म को रिफ्रेश करूं इसी पेज पे, सो लेट्स सी क्या आता है। मैं बैक जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं और अब वापस अपडेट करता हूं फॉर्म को। सो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लॉग आईडी भी आ रही है, जो भी स्पेसिफिक ब्लॉग की आईडी है वो। मैं एक दफा आपको बैक जाके दिखाऊं, ये देखिए हमने इसको एक्सेस किया था। लेट्स से अब मैं 5 को एक्सेस करता हूं और यहां पे अगर अपडेट करता हूं 5 पे, तो यहां पे अब ब्लॉग आईडी 5 है, तो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा गाइस कि हम लोग इस ब्लॉग को फाइंड करें, जिसके लिए बड़ी सिंपल सी क्यूरी है और फाइंड की जगह हम फाइंड और फेल भी यूज कर सकते हैं, तो लेट्स इस टाइम जो हम लोग फाइंड और फेल यूज करते हैं, ब्लॉग, ब्लॉग फाइंड और फेल डॉलर रिक्वेस्ट में जो मेरे पास ब्लॉग आईडी है उसके थ्रू। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीडी डॉलर ब्लॉग, ओके, लेट्स सेव इट और अब इसको रिफ्रेश कर लेता हूं इस पेज पे। ओके, सो मेरे पास कोई एरर है, लेट्स सी। मैं यहां पे मूव करके देख लेता हूं, ब्लॉग, ब्लॉग, यस एग्जैक्टली, सिली मिस्टेक। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अपडेट। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने अपना स्पेसिफिक ब्लॉग फाइंड कर लिया। अगर आप देखें यहां पे यूजर आईडी भी आ रही है और ब्लॉग से रिलेटेड डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट टास्क इज के गाइस हम लोग इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करें। ओके, यहां पे मैं कोई एक चीज मेंशन करता चलूं, मैं बेसिकली समझाता इस वजह से हूं ताकि आप लोग को ये चीजें समझ में आ जाएं और हम लोग करना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो। ओके गाइस, सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन करता चलूं, लेट्स से हम इस ब्लॉग को एडिट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप इसके साथ इसकी इमेज को भी अपलोड करना चाह रहे हैं, मतलब एक न्यू इमेज चाह रहे हैं,
तो उसके लिए हम एक इफ की कंडीशन पे बेस्ड एक अलग से वैलिडेशन बताएंगे। रीजन इज क्यों, लेट्स से इन सम केसेस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस ब्लॉक को एडिट कर रहे हो लेकिन इसकी इमेज को चेंज ना कर रहे हो, तो उस केस में ये अपलोड इमेज की जो फील्ड है ये इस पे कोई वैलिडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस केस में इमेज अपलोड नहीं कर रहे बल्कि जो पुरानी इमेज है वही हमारी अपडेटेड इमेज भी रहेगी। ओके सो ये दोनों फंक्शनैलिटी हम रखेंगे। लेट से अगर यूजर ब्लॉक की इमेज को अपडेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता तो वो भी उसी के ऊपर है, ठीक है। और यहां पे मैंने अभी नोट किया कि यहां पे भी क्रिएट ब्लॉक का जो हमारे पास टाइटल में जो हेडिंग्स आ रही है उसको हम सही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करता हूं अब यहां पर एडिट ब्लॉक। ओके सो उम्मीद करता हूं गाइज मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। इस ब्लॉक से रिलेटेड अपडेट इंप्लीमेंट करना है, लेट से अगर यूजर चाहते हैं कि इस ब्लॉक की वो इमेज भी अपडेट करे तो वो भी कर सकता है, नहीं करना चाहता तो वो भी सही रहेगा। हमारे हमारे इस केस में दोनों फंक्शनैलिटी काम करेंगी। ओके सो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कंडीशन बेस पे और उसी के लिहाज से वैलिडेशन इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। और उसके लिए गाइज क्योंकि मैंने यहां पर अपना ब्लॉक फाइंड कर लिया है, ठीक है, अब मैं यहां पे एक मेथड इंप्लीमेंट करूंगा जहां पे हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। मैं चाहूं तो वैलिडेशन भी यहीं पे यूज कर सकता हूं लेकिन मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि वैलिडेशन को मैं सेपरेटली हैंडल करूं। वैलिडेट अपडेट, लेट्स से अपडेट ब्लॉग वैलिडेशन। ओके और यहां पर मैं पूरी की पूरी रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई है वो इसको पास करूंगा जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ओके अब मुझे ये मेथड बनाना पड़ेगा गाइस, और यहां पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है यहां पे डॉलर दिस रेफर कर रहा है ब्लॉक क्लास को, दिस वन ब्लॉक कंट्रोलर क्लास, ठीक है। अगर आप किसी क्लास के अंदर हैं और आप डॉलर दिस का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब यह होता है कि जिस भी क्लास के अंदर आप हैं उसी क्लास को आप रेफर कर रहे हैं कि इस क्लास का कोई स्पेसिफिक मेथड है जिसको मैं हिट करना चाहता हूं, ठीक है। सो इन दिस केस डॉलर दिस अपडेट ब्लॉक वैलिडेशन, अभी हमारे पास ये मेथड नहीं है, अगर आप रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, तो हमें पहले ये मेथड बनाना पड़ेगा। ओके सो लेट्स डू दैट। वैलिडेशन मैं कमेंट दूंगा वैलिडेशन फॉर अपडेटिंग ब्लॉक। ओके पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नाम जैसे मैंने पहले ही बताया अपडेट ब्लॉक वैलिडेशन, और यहां पर मेरे पास आ रही होगी रिक्वेस्ट गाइस। ओके एज सिंपल एज दैट, ठीक है गाइस। सो यहां पे मैं कंडीशन बेस्ड काम करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे पहले आपको दिखा दूं कि हम लोग यहां तक आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस रिफ्रेश अपडेट, ये देखिए ये जो मैंने यस प्रिंट किया है यहां पर हम लोग रीच कर गए हैं, बेसिकली लाइन वाइज सीक्वेंस में चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। ओके यहां पे अब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं कंडीशन बताऊंगा कि इफ डॉलर रिक्वेस्ट हैज इमेज तो आपने इस कंडीशन को बेसिकली इफ के ब्लॉक को रन करना है, ठीक है। एल्स डीडी नो इमेज, ठीक है। ये सब मैं आपको इस वजह से करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग के जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे गाइस। ओके विद इमेज, ओके नाउ लेट्स टेस्ट इट। रिफ्रेश, सॉरी बैक जाते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे कोई इमेज अपलोड नहीं करूंगा और मैं ऐसे ही डायरेक्टली मूव करूंगा, और ये यहां पे अब आप देख सकते हैं नो इमेज वॉज अपलोडेड, ठीक है। बेसिकली लेट से अब अगर मैं यहां पे कोई इमेज अपलोड करके देखना चाहता हूं तो मैं मूव करता हूं लेट से डेस्कटॉप, और यहां पे मेरे पास इमेजेस हैं, और इमेजेस नॉट दिस वन डेस्कटॉप सॉरी गाइज इमेजेस राइट हियर, कोई भी रेंडम इमेज ले लेते हैं अपडेट और ये विद इमेज। तो यहां पे अब हम अपना जो वैलिडेशन का ब्लॉक है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और यहां पे थोड़ा सा क्योंकि मुझे समझाना ज्यादा है इस वीडियो में और काम हमारा वही है, रिपीटेशन हो रही होती है मोस्टली, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं तो हम इसी वैलिडेशन को यहां पर यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है और आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि हम लोग वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है गाइस। सो यहां से मैं वैलिडेशन का जो ब्लॉक का जो मेथड है वहां से मैं अपनी मेन वैलिडेशन यहां से कॉपी कर रहा हूं लाइक दिस कॉपी। उम्मीद करता हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस। ओके एंड लेट्स प्रिंट इट राइट हियर, सो सारी चीजें अलाइन रहे। ओके सो यहां पे हमारा गाइस वैलिडेशन है, टाइटल
एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यू आर एल, कैटेगरी, टैग्स, इमेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी वैलिडेशन रहेगी। इमेज ऑल्ट रिक्वायर्ड मिनिमम और एटसेट्रा, जो भी वैलिडेशन है हम उसी को बेसिकली फॉलो करेंगे। यहां पे जस्ट एक माइनर सा चेंज है गाइस, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी करूंगा एग्जैक्टली और यहां पे भी मैं इसको पेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग सेम वैलिडेशन यहां पे भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसमें माइनर सा डिफरेंस होगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ओके, सो यहां पे अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपनी वैलिडेशन प्लेस कर दी है। इस प्रोसीजर में एक माइनर सा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे हम लोग इमेज से रिलेटेड कोई वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है, माइनर सा चेंज। तो इसको हम लोग अगर अब हम लोग चाहें तो हम यही वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफी कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं अलग से इफ और एल्स का ब्लॉक बना के आपको सिंपल करके समझा सकूं। ओके गाइस, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पे लेट्स से उस केस में हम आएंगे जब हमारे पास न्यू इमेज अपलोड हुई होगी। यहां पे हम उस केस में आएंगे जब न्यू इमेज अपलोड नहीं हुई होगी और हमें ओल्ड इमेज ही यूज करनी है, ठीक है गाइस। यहां पे अब एक माइनर सा चेंज है, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता था। तो लेट्स मूव और यहां पे मैं जस्ट डीडी सक्सेस प्रिंट करूंगा, ठीक है, कि हम लोग यहां पे रीच कर गए वैलिडेशन के बाद, क्योंकि हम लोग के पास सारी की सारी फील्ड्स में गाइस डाटा मौजूद है ऑलरेडी। रिफ्रेश, ठीक है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब भी हम लोग सक्सेसफुली वैलिडेट कर रहे होंगे अपने ब्लॉक को। ओके, सो लेट मी ट्राई अपडेट। ओके गाइस, सो यहां पे अब आप देख सकते हैं कि देयर इज एन एरर इन द फॉर्म, प्लीज करेक्ट द एरर टू प्रोसीड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग नोट करें तो यहां पे द यूआरएल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। ओके, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको जरा डेटाबेस एक्सेस करके दिखाऊं। ब्लॉक, ब्लॉक्स के डेटाबेस में ब्लॉक्स के नाम से टेबल है मेरे पास। यहां पर अगर आप यूआरएल देखें तो कोई भी ऐसा यूआरएल नहीं है जो रिपीट हुआ है। अगर आप यहां पे गौर करें, कोई भी ऐसा यूआरएल नहीं है जो रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी हमें यहां पे एरर एनकाउंटर हो रहा है। द यूआरएल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, मतलब ये यूआरएल ऑलरेडी किसी को असाइन हो चुका है। हम लोगों ने इस पे यूनिक का एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट किया है, तभी हम लोग सेम जो यूआरएल है वो दो ब्लॉक्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, सो इसका रीजन क्या है गाइस, मैं बताता हूं। बेसिकली जब हम वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो इस ब्लॉक के टेबल में चेक कर रहा है कि क्या किसी और के पास सिमिलर ब्लॉग है, सॉरी मैं रॉन्ग फील्ड पे पॉइंट कर रहा था, तो चेक कर रहा है कि क्या कोई ऐसा यूआरएल है जो सिमिलर है इस फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद उसको बाकी फील्ड में तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसको अपने ही रिकॉर्ड में वो डाटा मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। वो जब पूरे डेटाबेस में सर्च कर रहा है तो उसको बाकी कहीं तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसको यहां पे मिल रहा है अपने ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड में, तो वो उसको बता रहा है कि ये ऑलरेडी टेकन है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, ये कोई बग नहीं है, यही ओरिजिनल प्रोसीजर है। जब यूआरएल, क्योंकि उस पर अपडेट इंप्लीमेंट करना है तो आपको थोड़ा दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो यहां पे ये कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल वैलिडेशन है और यहां पे हमारे पास ये यूआरएल ऑलरेडी टेकन है। तो हमने अपने क्यूरी में बताना है कि आपने इसको कंसिडर नहीं करना, इस ब्लॉक को कंसिडर जिसको आप चेक कर रहे हो उसको कंसिडर नहीं करना, उस रॉ के अलावा बाकी सबको कंसिडर करो वैलिडेशन के लिए। तो चलिए अब अपने इस एरर को फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो यहां पे मैं यूआरएल में आऊंगा और यूनिक ब्लॉक्स, अब मैं यहां पे बताऊंगा बेसिकली ये ब्लॉक्स रेफर कर रहा है गाइस इस टेबल को, दिस वन, ठीक है, ब्लॉक्स। अब मैं इसके आगे मजीद बताऊंगा कि यूआरएल का जो कॉलम है उसमें आपने स्किप करना है किसको। लेट से कॉन्केटिनेट करता हूं, डॉलर रिक्वेस्ट, जो भी मेरे पास ब्लॉग आईडी आई है उसके अलावा आपने सारे कॉलम्स में, सॉरी रोज में, सॉरी चेक करना है और करेक्ट वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है। बेसिकली इस रॉ को छोड़ के जिस पे भी हम वैलिडेशन इंप्लीमेंट करें उसके अलावा आप सारी रॉस को बेसिकली वैलिडेशन के लिए यूज करें, ठीक है। सो सिमिलर प्रोसीजर मैं यहां पे यूज करूंगा गाइस, मैं यहां से यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट। ओके, सो आई मेड ए मिस्टेक, यस, ओके, ओके गाइस। सो अब हर चीज सक्सेसफुली काम करनी चाहिए, तो मैं वापस करता हूं रिफ्रेश इस पेज के ऊपर और लेट से मैं करता हूं अपडेट।
तो यहां पे आप देख सकते हैं सक्सेस है। तो गाइस ये इशू नहीं था, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने बेसिकली यूनिक का एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट किया है तो उस पर आप वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसका तरीका यह है कि जिस भी टेबल में आप काम कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक कॉलम जिसको आपने यूनिक रखा है उसको आइडेंटिफाई करके बता दें कि आपने इस स्पेसिफिक कॉलम जिसपे मैं इस स्पेसिफिक रॉ को जिसपे मैं काम कर रहा हूं इसके अलावा सारे के सारी रोज को कंसिडर करना है इस वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो जब ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहा होगा तो इस रॉ को जिसकी आईडी है दिस जो भी है 5-6 उसके अलावा ये बाकी सबके लिहाज से इस यूआरएल को यूनिक बनाएगा, ओके। सो उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वैलिडेशन हमारी यहां पे इंप्लीमेंट हो चुकी है, रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं इमेज है तो हमें ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है जिसमें इमेज रिक्वायर्ड है, और लेट से अगर यहां पे इमेज अपलोडेड नहीं थी तो यहां पे आपने यहां पे मूव करेगा बेसिकली यहां, ठीक है। सो अब मूव करते हैं अप, और यहां पे हम लोगों ने क्योंकि हम लोग सक्सेस को सक्सेसफुली रीच कर रहे हैं गाइस, नेक्स्ट टास्क इज कि सबसे पहले हम लोग कॉन्फिगर करें अपने एक्टिव को, एक्टिव वैल्यू को, ठीक है। सो एक्टिव इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें मैंने आपको पहले बताया था अपडेट फंक्शनैलिटी पे कि हमें सिर्फ ऑन मिल रहा होगा, अगर जीरो होगा ऑन ऑफ बेसिकली ऑफ, ऑन का मतलब है बेसिकली उसमें कोई वैल्यू है या उसकी जो वैल्यू है वो वन है। तो यहां पे हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट एक्टिव, मैं इसका नाम कंफर्म करूंगा एचटीएमएल एट्रीब्यूट फील्ड में राइट हियर, ठीक है, एंड नेम इज एक्टिव, ठीक है। सो यहां पे रिक्वेस्ट एक्टिव इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ऑन है तो आपने क्या करना है इसको सेट कर देना एज वन, वरना आपने इस पे सेट कर देना है जीरो, और दैट्स इट सॉरी। और यहां पर हम डीडी कर सकते हैं एक्टिव को, सॉरी गाइस, ओके दैट्स इट। अब मैं डीडी कर रहा हूं इस एक्टिव को, इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूं। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये होता है गाइस ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो इस ये चेक था तभी वन आया, लेट से अब अगर अनचेक कर दिया तो जीरो वैल्यू मिल रही है, ठीक है गाइस। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मैं जस्ट कुछ चेक करना चाह रहा हूं। यस गाइस हम लोगों ने इस केस में ये क्रिएट में यहां पे कॉलम्स यहां पे प्लेस करे थे तो इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि ये बुलियन फील्ड है, ठीक है। उस केस में काम कर दिया लेकिन हो सकता है किसी और केस में आप लोग कोई इश्यू इनकाउंटर कर रहे हो तो यहां से आप लोग ये कॉलम्स रिमूव करें, ये बुलियन फील्ड है तो बगैर कॉलम्स के आने चाहिए, ठीक है, बगैर किसी बेसिकली किसी करेक्टर्स के अंदर, क्योंकि ये हम लोग बुलियन है, ये कोई करेक्टर नहीं है बेसिकली, ठीक है। ओके गाइस तो यहां पे हमारे पास एक्टिव सेट हो गया। उसके बाद गाइस मुझे अपनी ओल्ड इमेज को किसी वैल्यू में सेव करना है, इसको मैं बेहतर तरीके से आपको आगे जाके समझा सकूंगा कि इसका रीजन क्या है कि हम लोग ओल्ड इमेज सेव कर रहे हैं अपने पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगा स्टोर इमेज इज इक्वल्स टू जो भी उस ब्लॉक की इमेज है, ब्लॉक की इमेज हम कहां से ले सकते हैं जिसको हमने फाइंड किया, ठीक है, ब्लॉक उसमें जो भी इमेज है, लेट से मैं इसको डीडी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को भी दिखा सकूं कि मेरे पास क्या आ रहा है रिजल्ट, जो डेटाबेस में इमेज है वो आ रही है इसी नाम से है कि नहीं बेसिकली। रिफ्रेश अपडेट, ओके गाइस सो सक्सेसफुली हम लोग अपनी जो इसकी इमेज है ओल्ड इमेज वो हम लोग यहां पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टास्क इज गाइस कि हम लोगों ने इमेज सेव कर दी, इमेज पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर दी कंडीशन बेस्ड कि अगर इमेज है तो आपने ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है, नहीं है तो ये। उसके बाद हम लोगों ने एक्टिव को सेट कर दिया, उसके बाद ओल्ड इमेज को हम लोगों ने स्टोर इमेज में सेव कर दिया। नेक्स्ट टास्क इज के गाइस हमें यहां पे कैसे पता चलेगा कि हमें ओल्ड इमेज ही रखनी है डेटाबेस में या न्यू इमेज जो यूजर ने डाली है वो। तो उसके लिए गाइस वंस अगेन मुझे यहां पे कंडीशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन होगी जैसे हम लोगों ने नीचे इंप्लीमेंट करी है, रिक्वेस्ट हैज इमेज, अगर रिक्वेस्ट में मेरे पास इमेज आई है तो आपने इस ब्लॉक को रन करना है, ठीक है। और इसके लिए कोई एल्स की जरूरत नहीं है, जस्ट इट्स जस्ट दैट कि अगर हमारे पास इमेज आई है तो हमें इस ब्लॉक को रन करना है। और इस ब्लॉक में गाइस हम लोग कुछ चीजें स्पेसिफाई करेंगे, तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं बता रहा हूं बेसिकली पाथ जो के है इन दिस केस, लेट से हम लोग इमेजेस कहां सेव कर रहे हैं, पब्लिक इमेजेस स्लैश उसके बाद ब्लॉग इमेजेस, ब्लॉग इमेज, ठीक है, और यहां पे स्लैश दैट्स इट। तो ये मेरी इमेज जहां पे मैंने सेव करी है उसका पाथ है, और इसके साथ ही मैं यहां पे इमेज भी पास करूंगा जो भी इमेज है बेसिकली। तो इमेज को हम वंस अगेन कैसे गेट कर सकते हैं, एनी गैसेस गाइस, ब्लॉग के थ्रू,
ठीक है। तो इमेज में मेरे पास जो इमेज है वो आ गई, जो कि मैंने यहां से गेट कर ली, ठीक है। और जो पाथ है वो मैंने जहां पे भी मेरी इमेजेस सेव कर रहा था मैं प्रीवियसली फोल्डर में, वो पाथ बता दिया। अब उसके बाद गाइस हमें करना क्या है कि पुरानी इमेज, गाइस यहां पे हम किस केस में आएंगे, अगर रिक्वेस्ट में कोई इमेज आई है, अगर कोई रिक्वेस्ट में इमेज आई है तो इसका मतलब है यूजर ने एक न्यू इमेज अपलोड करी है जिसको अब हम लोगों ने डेटाबेस में सेव करना है। अगर हमें न्यू इमेज को यहां डेटाबेस में सेव करना है और फोल्डर में सेव करना है तो ओल्ड इमेज का हम क्या करेंगे गाइस। लेट्स से अगर हम उसको डिलीट नहीं करते फोल्डर से, तो जब भी यूजर एक न्यू इमेज अपलोड करेगा तो ओल्ड इमेज भी यहां पर हमारे पास इस फोल्डर में रहेगी और न्यू इमेज भी अपलोड होती जाएगी, जो कि अननेसेसरी स्पेस हमारा गेट कर रही होगी। तो जब भी हम लोग अपडेट इंप्लीमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास अननेसेसरी स्पेस को हम लोग कैसे बेसिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं ये प्रोसीजर यहां पे ना करूं या ओल्ड इमेज को यहां से डिलीट ना करूं तो कोई हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है वो हैवी से हैवी होती जाएगी जब भी कोई अपडेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ओके, सो आप कभी भी यूजर डिपेंडेंट नहीं रह सकते गाइस, रिमेंबर दैट। ओके, सो लेट्स डू दैट। और अब मैं क्या करूंगा, डॉलर दिस, मैं एक और मेथड बनाने वाला हूं बेसिकली, और जिसका नाम होगा डिलीट इमेज, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे पाथ और इमेज क्यों बताया है, मतलब क्या रीजन है। लेट्स से गाइस अगर मुझे इमेज डिलीट करनी है किसी भी और फंक्शनैलिटी के लिए इसी कंट्रोलर में या ब्लॉक से रिलेटेड या एनीथिंग, ठीक है, जस्ट मुझे इमेज अपलोड करनी, सॉरी डिलीट करनी है, तो मैं सिंपली अपने इस डिलीट इमेज के मेथड को यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अब अपने यूज के लिहाज से पैरामीटर बेस कर दिया है कि मैं खुद डिफाइन करूंगा पाथ क्या है और इमेज भी मैं असाइन करूंगा। इस मेथड ने क्या करना है, जस्ट उस इमेज को चेक करना है और डिलीट करना है। तो इस मेथड को बेसिकली, इस मेथड को, इस फंक्शन को हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब इसके लिए गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे एक मैं इस मेथड का नाम कॉपी करूं और मैं यहां पे, मैं जस्ट देख रहा हूं इसकी क्लोजिंग कहां है, राइट हियर, और यहां पे मैं कमेंट बताऊंगा डिलीट इमेज, ठीक है। और यहां पे हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं फंक्शन या मेथड, और इसमें होगा हमारे पास आ रहा होगा पाथ डॉलर इमेज, ठीक है। लेट्स मूव डाउन, और यहां पे हम लोग अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपनी इमेज को इस फोल्डर से डिलीट कर सकें। डेटाबेस से तो हम लोग जब अपलोड करेंगे तब चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो कि यहां से कैसे डिलीट करें। ओके, इफ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, कहां पे चेक करना है गाइस कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, बेसिकली मैं आपको समझाता चलूं कि गाइस सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो इमेज है ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और एग्जिस्ट मतलब कहां पे कर रही है वो पाथ तो हम लोगों ने बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ बेसिकली हमें यहां पे पब्लिक के फोल्डर में ड्रॉप करेगा, ठीक है। पब्लिक पाथ में आपने देखना है कि क्या इस पाथ में मजीद पाथ मैंने कॉन्केटिनेट किया है, जो भी मैंने बताया कि इमेजेस और ब्लॉग इमेजेस, और उसके अंदर क्या ये इमेज मौजूद है जिसको मैं रेफर कर रहा हूं, बेसिकली जो हम यहां पे गेट कर रहे हैं कहां से, यहां से, ठीक है गाइस। सो यहां पे चेक कर रहा हूं कि क्या ये एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो मुझे क्या करना है, उसको जस्ट अनलिंक और यहां पे फिर से पब्लिक पाथ डॉट डॉलर पाथ डॉट डॉलर इमेज, ठीक है। आप लोगों से इस केस में कोई गलती भी हो सकती है पाथ वगैरह बताने के चक्कर में, तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे पाथ और इमेज देख लीजिएगा। कैसे देख सकते हैं, लेट से डीडी कर लेते हैं डॉलर पाथ कि पाथ चेक कर लें, इमेज नेम तो सही आ रहा होगा मोस्टली, ठीक है। तो पाथ को आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि लेट से मैं इसको रिफ्रेश करूं, अपडेट, ओके। सो यहां पे हम लोग डिलीट पे नहीं आ रहे, लेट सी, और आई एम डूइंग समथिंग एल्स, लेट्स सी यहां पे डीडी मैंने किया है डॉलर पाथ, रिक्वेस्ट वैलिडेट हो गई, उसके बाद इफ रिक्वेस्ट, ओके, यस आई गॉट दिस पॉइंट गाइस। बेसिकली हम लोगों ने इमेज अपलोड नहीं करी, और ये उस केस में होगा जब हम लोग अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, और इस केस में हम लोगों ने इमेज को अपलोड किया ही नहीं गाइस, ठीक है। सो मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, ओके, लेट्स चूज अ फाइल, इन दिस केस कोई भी इमेज ले सकते हैं, अपडेट,
ओके सो यहाँ पे अब हम लोग का इमेजेस और जो भी पाथ है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और इसी के आगे आप लोग अगर चाहें तो इमेज का नेम भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं. ओके सो गाइज यहाँ पे एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है. सो फॉर नाउ मैं इससे मूव करूंगा, ठीक है. ये मेथड हमारा मुझे पता है सही काम करोगा, अगर कोई इशू भी होगा तो हम वो लोग चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है. ओके गाइस तो हम लोगों ने पुरानी इमेज को यहां से क्योंकि जब हम लोगों ने नई इमेज यूजर ने अपलोड करी है तो हमें पुरानी इमेज को डिलीट करना था, हमने वो कर दिया, अनलिंक कर दिया बेसिकली, वहां से ये फोल्डर से रिमूव कर देगा. ओके गाइस नेक्स्ट टास्क इज कि जो न्यू इमेज आई है उसको हम लोग सेव करें कहां पे, डेटाबेस में भी और फोल्डर में भी. तो गाइस यहां पे टाइम सेव करने के लिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो गई है और अभी भी काफी प्रोसीजर बाकी है, तो मैं जो मैंने पहले प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया था सिमिलरली मैं वही उसी को यूज कर सकता हूं, चाहे तो इसका फंक्शन भी बना के कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ इसको सेपरेट रखते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है. सो लेट्स मूव हियर और मैं यहां पे एग्जैक्टली अपना सेम प्रोसीजर जो है उसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जी सॉरी ओके या सो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, दिस वन F12 कंट्रोल F12 सॉरी ओके. सो यहां पे जस्ट मैं एक माइनर सा चेंज करूंगा, देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा रिक्वेस्ट में इमेज आई है, पुरानी इमेज को डिलीट करो और अब जो न्यू अपलोडेड इमेज है उसको सेव करना है. रिक्वेस्ट फाइल इमेज जो भी है उसमें से मैंने एक्सटेंशन निकाली, बेसिकली इमेज विद एक्सटेंशन, इमेज विद एक्सटेंशन हम लोगों ने गेट किया ओरिजिनल नाम जो था. उसके बाद हम लोगों ने इमेज विद एक्सटेंशन में से उस फाइल का सिर्फ नेम निकाला, जैसे यहां पे नाम से भी रेफर कर रहा है इमेज नेम. उसके बाद हम लोगों ने उसी इमेज का एक्सटेंशन गेट किया और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके हम लोगों ने इमेज नेम उसमें टाइम ऐड करके कॉन्केटिनेट करके और उसके बाद उसमें कॉन्केटिनेट किया इमेज एक्सटेंशन को, और इस तरीके से हमारी इमेज मैनिपुलेट हो गई थी, ठीक है. सो यहां पे मैं नाम अपनी इमेज का चेंज करता चलूंगा और उसका नाम इन दिस केस नाम होगा सेम स्टोर इमेज, ठीक है. तो स्टोर इमेज मैंने यहां पे सेव किया है तो जस्ट मैं यहां पे भी इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है. ओके गाइस सो हमारी इमेज भी सेव हो गई. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी अपना रैंडम प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हैं. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. न्यू इमेज आई हमारे पास, वो हम लोगों ने फोल्डर में सेव कर दी. अब बारी है हम लोग उसको डेटाबेस में सेव करें. ओके सो एनी गेसेस गाइस कि यहां पे मैंने स्टोर इमेज क्यों डिफाइन किया था और यहां पे भी एग्जैक्टली सेम नाम क्यों दिया है. ओके लेट मैं समझा देता हूं थोड़ा सा. लेट से अगर हमारे पास इमेज अपलोड नहीं हुई थी, ठीक है, तो इसका ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं और ये जो स्टोर इमेज में जो भी इमेज है मैं उसी को अपडेट कर रहा हूं डेटाबेस में, ठीक है ना. अगर हम चाहें कंडीशन बेस ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसको अपडेट ही ना करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं कि कंडीशंस आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस वजह से ये सब इंप्लीमेंट कर रहा हूं गाइस, ठीक है. तो लेट से इमेज अपलोड नहीं हुई थी, ये जो पुरानी इमेज है उसी को मैं अपने डेटाबेस में अपडेट कर रहा हूं, इसी वजह से मैंने उसको स्टोर इमेज में रखा हुआ, ठीक है. लेट से अगर यूजर ने न्यू इमेज अपलोड करी थी तो क्या होगा गाइस, हम लोग पुरानी को डिलीट करेंगे, न्यू इमेज जो अपलोड हो रही है उसका नाम मैंने सेम कर दिया, ठीक है. तो एक ही नाम से दो वेरिएबल नहीं हो सकते, तो बेसिकली मैंने स्टोर इमेज को अपडेट करा है यहां पे कि लेट से अगर इफ का ब्लॉक चलता है तो इस स्टोर इमेज में मेरे पास न्यू इमेज आ जानी चाहिए जो कि मुझे सेव करनी है, ठीक है गाइस. तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं गाइस अपनी वैलिडेशन. सो लेट्स स्टार्ट सॉरी नॉट वैलिडेशन ओके सो अब हम लोग मूव करेंगे और अपने ब्लॉक को अपडेट करेंगे. कैसे, क्योंकि हम लोगों ने ब्लॉक को ऑलरेडी गेट किया हुआ है, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज डॉलर ब्लॉक टाइटल इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट में जो भी टाइटल आया था वो, ठीक है. और इसी की तरह हम लोग बाकी फील्ड्स को भी कर सकते हैं. ब्लॉग URL इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट URL, ठीक है. और इसी तरीके से ब्लॉग मुझे फील्ड नेम्स देखने हैं गाइस, सो लेट्स मूव हेयर. और यूजर आईडी अगर होगी कोई यूजर, बेसिकली इस केस में तो क्योंकि हम लोग हमारा जो यूजर है, अगर हम चाहें यूजर आईडी को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में यहां पे फिलहाल जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही यूजर है. जब हम लोग हाँ यूजर लेट मी थिंक बेसिकली गाइस कि हम लोग यूजर चेंज करने की हम लोग को यहां पे जरूरत है कि नहीं. ओके गाइस सो एज फार एज आई एम थिंकिंग नाउ तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लॉग का यूजर चेंज होगा. क्यों, लेट से अगर मैंने ब्लॉग बनाया, मैं एडमिन हूं तो मैं ही इसका ऑथर रहूंगा, ठीक है. इसका यूजर मैं चेंज नहीं कर सकता,
बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, ठीक है। और इसी तरीके से अगर किसी यूजर ने कोई फॉर्म बेसिकली कोई ब्लॉग बनाया होगा तो वो भी, उसका भी यूजर चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर एडमिन चाहेगा तो उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर करना चाहें यूजर आप लोग चेंज, तो यहाँ पे बेसिकली यूजर आईडी गेट कर लें, ठीक है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसके अलावा मेरे पास है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसमें मेरे पास आ जाएगा, लेट्स से गाइस, जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट में से आया है कैटेगरी। आई थिंक इसका जो नेम है ये थोड़ा सा गाइस, वरना ये होगा कि डेटाबेस में आप लोग देख रहे होंगे कि चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, तो उसका रीजन ये हो सकता है, इस वजह से मैं नेम चेक कर रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डॉलर ब्लॉग, और टैग्स की हमें जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टैग्स का कॉलम नहीं है, उस पर रिलेशन है, उस पर मैनी टू मैनी रिलेशन है, तो उसका चेंज करने का तरीका, अपडेट करने का तरीका चेंज है, डिफरेंट है। इमेज, एनी गैसेस गाइस, इमेज में क्या आएगा? ओके, इफ यू गेस्ट इट राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इमेज का ऑल्ट, डॉलर ब्लॉग, इमेज अंडरस्कोर ऑल्ट, और इसकी जो भी वैल्यू है वो आएगी रिक्वेस्ट इमेज अंडरस्कोर ऑल्ट। आई होप मैं नाम सही डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कॉपी किया था फॉर्म। ओके, और मेटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डॉलर ब्लॉग, सॉरी, डॉलर रिक्वेस्ट, मेटा, दिस वन, डॉलर ब्लॉग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड डॉलर, लेट्स से ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, डॉलर रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, एंड डॉलर ब्लॉग एक्टिव इज इक्वल टू डॉलर एक्टिव, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है खुद से, ठीक है, ये वाला। ओके गाइस, सो यहाँ पे एवरीथिंग लुक्स फाइन। और अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम लोगों ने अपनी फील्ड्स में न्यू वैल्यू को सेव कर दिया, तो हम सिंपली इसके ऊपर सेव का मेथड यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से डॉलर ब्लॉक सेव, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके, सो यहां पे गाइस मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाता रहा हूं, और वापस रिव्यू भी दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन यहां तक अभी तक हम लोगों ने अपनी इन फील्ड्स को अपडेट किया है, इमेज को, मेटा को, एक्टिव एटसेट्रा, इन फील्ड्स को। अभी तक हम लोगों ने टैग्स को चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पे मैनी टू मैनी रिलेशन है, और उसका जो टेबल है बेसिकली वो ये रहा, ब्लॉक टैग्स, ठीक है। तो लेट्स से अगर यहां पे टैग्स हमें किसी ब्लॉक के चेंज करने हैं, तो वो भी हो सकते होंगे गाइस, ये फंक्शनैलिटी भी हम लोग रखेंगे। लेकिन उसके अलावा हम लोग यहां पे इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, डॉलर ब्लॉग, और हम यूज करेंगे टैग्स, जो कि रिलेशनशिप का मेथड है। अगर मैं आपको दिखाऊं ब्लॉग डॉट पीएचपी में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है गाइस। ओके, सो ये रहा टैग्स, इस मेथड को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, टैग्स। और मैं बता रहा हूं कि इसको सिंक करना है आपने न्यू वैल्यूज के लिहाज से। न्यू वैल्यूज क्या है? जो भी रिक्वेस्ट में आई है टैग्स, एज सिंपल एज दैट गाइस। और जब ये हमारे पास सेव हो जाए, तो आपने क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद विद सक्सेस, एंड मैसेज होगा लेट्स से सक्सेसफुल, और दिस वन। ओके, सो यहां पे हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। मैं अब आपको दिखा दूं पहले, उसके बाद ताकि कोई इश्यू है तो हम पहले उसको देख लें, उसके बाद हम कोड को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहां पे डीडी नजर आ रहा है, मैं चेक कर लूं कि मैंने यहां से डीडी रिमूव कर दिया। यस ऑफ कोर्स, लेट्स मूव बैक, रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके, सो यहां पे माइनर से चेंज कर लेते हैं अपडेटेड, ठीक है, ताकि हम लोग को ये चेंज नजर आए। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे, क्योंकि मुझे बेसिकली सेशन के थ्रू यहां पे मैसेज भी प्रिंट करवाना है, तो वो उसके लिए, क्योंकि मैंने ब्लेड को एग्जैक्टली कॉपी किया था, तो जब मैं यहां से सक्सेस पास कर रहा हूं गाइस, यहां से ये जो सेशन में हमारे पास सेव होगा, तो उसी के थ्रू मैं यहां पे वंस अगेन मैसेज गेट कराऊंगा। तो यहां पे मैं जस्ट इस मैसेज को चेंज कर लेता हूं, ये सब हम लोग क्रिएट की वीडियो में देख चुके हैं, अपडेटेड, ठीक है। सो ये हम लोग सब क्रिएट फंक्शनैलिटी में देख चुके हैं। मैं यहां से जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे
लेट से पेस्ट कर देता हूँ, और हेल्थ की जगह लेट से मैं टेक्नोलॉजी कर देता हूँ, और लेट से मैं यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका टेक्स्ट में भी अपडेट एंटर कर देता हूँ, राइट हेयर हेयर हेयर, ठीक है। सो गाइज इस केस में हम लोगों ने इमेज अपलोड नहीं करी, पहले इसके बगैर देख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इमेज डिलीट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर आप चेक करें सिंपल तरीका चेक कर लें, क्योंकि फोल्डर से डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मेरे पास एटलीस्ट 4 इमेजेस हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं करता हूँ अपडेट, ओके, सो सक्सेस ब्लॉक अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, लेट्स सी इन द डेटाबेस, ब्लॉक्स पे मूव करता हूँ, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये देखिए सारी फील्ड्स चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, जिस जिसमें मैंने चेंज किए थे, ओके। नेक्स्ट टास्क इज कि यहाँ पे देखें कोई इमेज डिलीट तो नहीं हुई, एग्जैक्टली नहीं हुई है, 4 की 4 इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर लेट से मैं करता हूं लेट से रिटर्न टू ब्लॉक्स, ओके, और यहां पे मैंने इसको चेंज किया था, लेट्स वापस मूव करते हैं इस इमेज पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अब चेंजेस अफेक्ट होते हुए। नाउ मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट से ये इस पे मैंने कौन सी इमेज अपलोड करी हुई है, मैं जस्ट यहाँ से देख लूँ अगर मुझे रेफरेंस मिल जाए, ओके। सो इसके अलावा मैं कोई भी इमेज अपलोड करूंगा बेसिकली इस केस में, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, और इसके अलावा लेट से मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। और अब मैं करता हूँ अपडेट, ओके गाइस, सो सक्सेस रिटर्न ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली, मैं रिटर्न टू ब्लॉग करता हूँ, और यहां पे आप देख सकते हैं चेंजेस, हमारी इमेज चेंज हो गई। सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर आपको कुछ भी इशू आए इस फंक्शनैलिटी में नजर, या कुछ बग नजर आए, तो मुझे बताएं, हम लोग उसको साथ में रिजोल्व करेंगे। मेरे पास क्योंकि टेस्टिंग का टाइम नहीं होता तो मैं खुद नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे जितनी अप्रोचेस पता है कि इससे ये इशू आ सकता है, इससे ये इशू आ सकता है, मैं उतना उसको टेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो कोई भी इशू हो आप मुझे पॉइंट कर सकते हैं। हमारी अपडेट की फंक्शनैलिटी यहां पे परफेक्टली काम कर रही है। अब लेट से यहां पे मेरे पास इमेजेस नहीं थी, और हाँ मैं यहां पे आपको दिखाता चलूं कि ये पुरानी इमेज, क्योंकि 4 इमेजेस थी, उसके बाद मैंने इसको चेंज किया है, तो यहां पे ये अभी भी 4 इमेजेस ही होंगी। एक बस उसमें से अपडेट हुई है, एक रिमूव हुई है, और इसकी जगह किसी और ने प्लेस लिया है। और क्योंकि यहां पे इमेजेस अपलोडेड नहीं थी, तो अब हम लोग यहां पे अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ओके। सो थर्ड ब्लॉग है, तो मैं इसको थर्ड इमेज असाइन कर देता हूं लेट से, और मैं कोई और चेंज नहीं करना चाह रहा, यूआरएल से रिलेटेड भी कोई एरर नहीं आएगा। हाँ यहां पे क्योंकि हम लोगों ने मैन्युअली काम किया था, तो इस वजह से कुछ उसमें टैग्स नहीं है, ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने टेस्टिंग करी थी इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो यहां पे मैं असाइन कर देता हूं कुछ टैग्स, ठीक है, टैग्स से रिलेटेड भी डिफरेंस मैं आपको दिखा दूं कि यहां पे कैसे अपडेट हो रहे हैं। ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड जो है उसकी आईडी है 12, और अब लेट से अगर मैं इसको करता हूं अपडेट, ओके, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली, यहां पे अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो 14 दो टैग्स और ऐड हो गए, ओके, रिटर्न टू ब्लॉग्स, और इसी तरीके से मैं बाकी की भी इमेज अपलोड कर लेता हूं, और लेट्स मूव, और लेट्स ए सेकंड ब्लॉग, तो सेकंड इमेज अपलोड कर देते हैं, और यहां पे टैग्स बिल्कुल हैं, यस, एनीथिंग मिसिंग, नो, ओके, टैग्स मुझे सॉरी यूआरएल इनके सही करने होंगे, वो खैर मैं बाद में भी कर सकता हूं, ओके, सो ये भी ठीक हो गया है जहां पे इमेजेस, मैं इसलिए कह रहा था कि इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम अपडेट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो हम अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। दैट्स इट, अपडेट, ओके गाइस, सो अपडेट की फंक्शनैलिटी हमारे पास परफेक्टली काम कर रही है। अगर मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक और रिकॉर्ड दिखाऊं, तो यहां पे आप देखिए कि कितनी इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रिकॉर्ड हमारे पास, टोटल 7 है। लेट से अगर ये मैं फोर्थ इमेज की जो इमेज है उसको मैं बेसिकली लेट से फिफ्थ इमेज असाइन करना चाहता हूं, ठीक है, तो लेट्स डू दैट, अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, इसकी इमेज भी चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है गाइस, सेम इमेजेस हैं, लेकिन टाइम की वजह से हम लोगों ने मैनिपुलेशन करी है, वरना यहां पे कंफ्यूजन आ रही होती, ठीक है गाइस, इस केसेस की वजह से हम लोगों ने बेसिकली किया था, ओके। सो एक और चीज जो आपको दिखानी थी वो है सबलाइम में, यहां पे अभी भी आप देख सकते हैं इमेजेस टोटल 7 होगी, ओके। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं गाइस कोड को। अपडेट तक हम लोगों ने काम यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया था, अपना फॉर्म इम्प्लीमेंट किया हुआ था, उसमें हम लोग फील्ड्स लेकर आ रहे थे, उसी ब्लॉक से रिलेटेड डाटा बेसिकली इस पेज पे लेकर आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था यूआरएल, और हम लोगों ने एक हिडन फील्ड बताई ब्लॉग आईडी की, जिसके थ्रू हम लोग अपने ब्लॉग से रिलेटेड डाटा को फैच करेंगे या गेट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद गाइज हम लोग जब यहाँ पे डाटा गेट कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपडेट ब्लॉक वैलिडेशन इंप्लीमेंट करी, वो दो केसेस के लिए करी थी। लेट से अगर यहाँ पे कोई यूजर इमेज अपलोड नहीं करता और बाकी चेंजेस करना चाहता है तो भी वो अपडेट हो और इमेज पे कोई वैलिडेशन इंप्लीमेंट ना हो, ठीक है। लेट से वो वैलिडेशन ये रही, इफ रिक्वेस्ट हैज इमेज, यूजर ने, सॉरी ये उसकी ऑपोजिट है, लेट से अगर यूजर ने इमेज अपलोड करी है तो आपने उस न्यू इमेज पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है। लेट से अगर यूजर ने इमेज इंप्लीमेंट अपलोड नहीं करी तो आपने ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी, ठीक है। सो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन वाइज काम किया था। और गाइज यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मैंने रिटर्न ब्लॉग नहीं किया है, लेकिन सॉरी रिक्वेस्ट को, लेकिन ये फिर भी परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन बेहतर ये है कि हम लोग यहां से रिटर्न करें रिटर्न डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, ओके। क्योंकि बेसिकली सिंपली हम लोग वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहे थे, एवरीथिंग पास हो जाती थी क्योंकि फिर इस कोड को सीक्वेंस में रन होना था तो वो हमारे पास आगे प्रोसीजर फॉलो करता था, ओके ओके गाइस। सो एक्टिव को हमने सेट किया जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं टर्नरी कंडीशन के थ्रू, उसके बाद स्टोर इमेज में पुरानी इमेज को मैंने सेव किया और यहां पे चेक करा वापस से वंस अगेन कि अगर यूजर ने कोई न्यू इमेज अपलोड करी है तो मुझे अपने फोल्डर से पुरानी इमेज को डिलीट करना है, यही प्रोसीजर मैंने यहां पे फॉलो किया है। इसके लिए हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था डिलीट इमेज का मेथड, ओके। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली अपनी न्यू इमेज को फोल्डर में अपलोड किया और उसी को हम लोगों ने अपने पास स्टोर इमेज में सेव करा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक चलता है तो हमें जो डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी है, जो इमेज सेव करनी है वो है न्यू इमेज, ओके। उसके बाद हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड्स पे जो भी उनकी वैल्यूज थी, जो अपडेटेड वैल्यू है, उनको यहाँ पे बताया कि इस फील्ड में मुझे ये वैल्यू चाहिए, और उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्लॉक सेव इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद टैग्स, क्योंकि रिलेशनशिप था मैनी टू मैनी का, तो यहां पे हम लोगों ने सिंपली बताया कि मुझे अपने इस टैग को सिंक करना है, बेसिकली ये करता क्या है, सिंक पुराने उसको रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है और न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देता है ताकि ये सिंक हो जाए आपस में, ठीक है। बेसिकली सिंक से मेरा मतलब ये है कि न्यू अपडेटेड रिकॉर्ड्स आ जाए जो भी उससे रिलेटेड है और रिलेशनशिप ब्रेक ना हो, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने यहां से रीडायरेक्ट बैक किया, एवरीथिंग वॉज बेसिकली यहां पे जो इस पेज पे जो भी हमारे पास है वो हम लोगों ने कॉपी किया हुआ था क्रिएट प्लेट से, तो हमारे पास सक्सेस फंक्शन भी था, ओके गाइस। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइस बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके, टेक केयर।